नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम, क्या मैं 5वीं पास हूँ? आज बच्चों को ओपन से ग्रेजुएशन की डिग्री दे दी गई, 10th 12th ग्रेजुएशन सब ओपन से। उनसे आप पूछ के देखिए, मेरी गारंटी है 90% बच्चे 5th पास तक के भी लायक नहीं है। आज हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, सरकार अपने आप को धोखा दे रही है, पेरेंट्स को धोखा मिल रहा है। जो पेरेंट्स 4th क्लास है बेचारे, जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, उनको पता लगता है मेरा बच्चा 8th 10th पास कर गया, 12th पास कर गया, बीए पास कर गया। वो तो सोच रहे होते हैं, यार अब मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली, अपने बच्चे को पढ़ा दिया, क्योंकि उसकी समझ उतनी है, वो नहीं पढ़ा लिखा गरीब आदमी। होता क्या है कि जो ये आज एजुकेशन का सिस्टम है, उस बच्चे को ग्रेजुएशन की डिग्री दे के मजदूर के लायक नहीं सोचता। अगर उसको हमने 6th 7th से ही फेल किया होता तो उसके माँ बाप उसको देखने की जिम्मेदारी संभालते, ये पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, इसको मैं काम धंधे से लगाऊं, मजदूरी से लगाऊं, वो कच्ची मिट्टी है। कच्ची मिट्टी को हम किसी भी तरह से ढाल सकते हैं। जब वो ग्रेजुएशन कर लेता है और मोबाइल से बिल्कुल स्पॉइल हो जाता है, सर्कल उसका बेढंगा हो चुका होता है, सरकार को कोसते कोसते दिन रात निकाल रहा होता है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, पर उसमें काबिलियत नौकरी की हो तो उसको नौकरी मिले। आज काबिल लोगों की इतनी जरूरत है इंडस्ट्री में, ढूंढने से नहीं मिलते। आज की तारीख में ये जो नकली एजुकेशन सिस्टम है, उसने इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी एक मुश्किल कर दिया है कि उसको ये पूछना पड़ता है तूने किस कॉलेज से किया है, रेगुलर किया है, कॉरेस्पॉन्डेंस किया है, बहुत सारी चीजों की जानकारी निकालनी पड़ती है। जो हम अगर बच्चे को टाइम से फेल करेंगे तो कारपेंटर का बच्चा कारपेंटरी में जुड़ जाएगा, वेल्डर का बच्चा वेल्डिंग में जुड़ेगा, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। आज सरकार डिग्रियां बांट बांट के उन माँ बाप को भी धोखा दे रही है, जो माँ बाप अपने खून पसीने की कमाई से बच्चे को पढ़ा रहे हैं। उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्हें नहीं पता कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है, ओपन क्या होता है, रेगुलर क्या होता है। वो बेचारे अपने पैसे को फूंकते जा रहे हैं, अपने जीवन को मतलब बच्चों के ऊपर निछावर करते जा रहे हैं, पर एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। आज हमारा कृषि प्रधान देश है, खेतों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, वेल्डिंग कराने जाओ एक टांके के 1000 रुपए हैं। आज स्किल्ड लेबर खत्म है, स्किल्ड लेबर हम पढ़ाई से नहीं बना सकते, स्किल्ड लेबर हम पुश्तों से माँ बाप बनाते आ रहे हैं, माँ बाप के साथ जुड़ के बच्चा आगे बढ़ता आ रहा है। खेती वाले बच्चे ने खेती करी, वेल्डिंग वाले बच्चे ने वेल्डिंग करी, अपने आप को उसने हुनर में डाला। आज हम जो ये एजुकेशन सिस्टम को पास कर दो 8th पास 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन पास आता उसको ठेंगा भी नहीं, अंगूठा छाप भी नहीं है। बच्चे से पूछ के देखो मैं कितना पानी में हूं, वो बिल्कुल पानी में ही है, उसको कुछ नहीं आता। ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आप 5वीं पास नहीं कर सकते, उससे 5वीं पास नहीं करा सकते, तो ये ग्रेजुएशनों का क्या फायदा है? किसको दिखाना है हमारा इतना लिटरेसी रेट है, हमारा उतना लिटरेसी रेट है, हम किसको धोखा दे रहे हैं? जागना पड़ेगा हमारे को। ये बहुत सारे कॉलेज इंस्टीट्यूट बना देते हैं 4 महीने की स्किल डेवलपमेंट, 3 महीने की स्किल डेवलपमेंट, इससे कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं होने वाली है। स्किल डेवलपमेंट में 5-5 साल लगते हैं, हार्डकोर मेहनत लगती है, और हार्डकोर मेहनत के बाद आज 30,000 रुपए कमाना आसान है। और जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चल रहे हैं ना, इससे 8-9-10-12 हजार से ज्यादा की नौकरियां नहीं मिलती। वो तो कॉल सेंटर खोल के बैठ जाते हैं लोग, उनको रख लेते हैं 1.5 महीने का टारगेट, 1 महीने का टारगेट, वो टारगेट पूरे नहीं होते बेचारे, वो और धक्का खाते रहते हैं। मैं किसको बेचारा कहूं, सबको धोखा दिया जा रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए। एक अगर पास करने का शौक है तो एक पास कोर्स और एक ऑनर्स कोर्स 6th क्लास से स्टार्ट कर दिया जाए। 6th क्लास ऑनर्स कोर्स जो एक्चुअल पढ़ाई है, पास कोर्स जो आपने पास ही करना है, उस पास कोर्स के लिए भी जो 5वीं से 8th क्लास तक की पढ़ाई है उसको ना 5वीं वाली को 8वीं तक कर दो, और जो 8वीं तक की है उसको 10वीं तक पढ़ा लो। जो आप 10वीं में मैथ्स पढ़ाते हो ना, इसको हटा दो सब्जेक्ट को, किसी को नहीं समझ आ रहा। साइंस वाइंस थोड़ा आसान सब्जेक्ट कर दो और 12th तक कर दो, जो कि वो बच्चा 8वीं क्लास का कोर्स भी 12वीं तक पूरा कर ले तो वो भी पढ़ाई काम में आ जाएगी उसके। और ये जो ग्रेजुएशन ओपन से है ना, उसमें तो 12वीं तक भी अगर बच्चा पढ़ ले, 10वीं तक की भी पढ़ाई पूरी कर ले, जो ये नकली ग्रेजुएशन हो रही है, ओपन से ग्रेजुएशन हो रही है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत कुछ कहने को है,
मतलब ये एजुकेशन सिस्टम को हमारे देश के फ्यूचर के लिए इमीडिएट बदलना जरूरी है। जो बच्चे पढ़ लिख के पास होते हैं केवल उनको पास किया जाए, बाकी को फेल किया जाए, जो कि उनके माँ बाप फेल होने के बाद ही उन पे ध्यान दे सकते हैं, बच्चा भी अपने पे ध्यान देगा। जबरदस्ती की चीजों को हटाया जाए, प्रैक्टिकल चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से लेके आया जाए। मैं अविनाश जैन, स्वीट होम संगम माइका हमारी संस्था चलती है, जिसमें हम एक मेडिकल पे भी कार्य कर रहे हैं। 90% तक डिस्काउंट पे मेडिकल टेस्ट अवेलेबल करा रहे हैं। कोई भी जरूरतमंद महिला लड़की, बच्चों के साथ भी महिला अगर डोमेस्टिक वायलेंस से परेशान होती है, तो उसको रखने की व्यवस्था कर रहे हैं। ये स्वीट होम अनाथ आश्रम नजफगढ़ में माइका के नाम से है। आप मुझे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, मुझे पता है कि यूट्यूब चैनल हम ज्यादा सब्सक्राइब भी नहीं करवा पाते हैं, हम लोगों की पसंद नहीं बन पाते हैं, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल में कोई ऐसा मटेरियल नहीं होता जो आपको मनोरंजन कर पाए। पर अगर आप मेरी वीडियो सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये वास्तविकता है, ग्राउंड से जुड़ी हुई बातें हैं। अगर आप इनको लोगों तक पहुंचा पाए, मेरे साथ जुड़ पाए, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। अविनाश जैन, स्वीट होम अनाथ आश्रम माइका, नजफगढ़, नई दिल्ली। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।